So today we will discuss about the sexual reproduction in humans. In the last lecture we have seen the sexual reproduction in plants. Now we will continue with our next topic, that is the sexual reproduction in humans. We know that humans are unisexual. हमें पता है humans जो होते हैं वो unisexual होते हैं. That is यहाँ पर both male and female organisms आर आइसोलेटेड. दैट इज़ यहाँ पर मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो यहाँ पर हमें गैमिट्स भी आइसोलेटेड देखने को मिलेंगे. दैट इज़ मेल विल प्रोड्यूस अ मेल गैमेट एंड द फीमेल विल प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट बिकॉज बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर आइसोलेटेड. दोनों ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड हैं क्योंकि हमने नाम दिया है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमें पता है ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड होते हैं तो वहाँ पे बनने वाले गैमीट्स भी आइसोलेटेड होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. इट्स अ डेवलप्ड कैरेक्टर. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है गैमीट्स की. दैट इज़ गैमिटोजेनेसिस विल अकर एंड द फ्यूजन ऑफ दैट गैमीट्स विल ऑल्सो अकर. मतलब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और वो जो गैमीट्स जो बने हैं मेल और फीमेल में उनका फ्यूजन भी होगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. नाउ द गैमीट, अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज द गैमीट विल फॉर्म, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस वी हैव टू सी. अब वो गैमीट कहाँ बन रहे हैं उस ऑर्गन्स को हम नाम देंगे, सेपरेट नेम देंगे और उस ऑर्गन्स को मेल और फीमेल में हम लोग स्टडी करेंगे. अब उस गैमीट को दूसरे गैमीट तक पहुँचाने के लिए फॉर फर्टिलाइजेशन उसे मूव कराना पड़ेगा, उसे कंडक्ट कराना पड़ेगा. तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो वी विल स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वी नो दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूरी है, वहाँ पे नेसेसरी होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हम बोल रहे हैं मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा. तो इस सेक्शन में हम आज देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन वी विल लेटर डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस हाउ डज द गैमीट्स विल फॉर्म इन दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जहां से गैमेट कैरी होकर फीमेल तक जाएगा और इट विल कंडक्ट टू द फीमेल. हाउ डज इट कंडक्ट टू द फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेगा. तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहले हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करना है, फिर हमें गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करना है इन बोथ मेल एंड फीमेल. सो वी नो दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पहले हम वो देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है किसका बना होता है, इसमें ऑर्गन्स होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्शन. तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and the other one is secondary sex organ. Now why we are calling it primary and secondary. Primary sex organ, that is reproductive system जो होता है हमारी body में, उसको हम दो parts में classify करते हैं. We can say we study that into two parts. We will classify that into two categories. First is primary sex organ and the other one is second sex. सारे organs ही हैं, बस हमने उसको कैटेगराइज कर लिया है. प्राइमरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गन होगा, ये वाला जो ऑर्गन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर गैमीट फॉर्मेशन. उसी ऑर्गन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा एज वेल एज द हार्मोन सिक्रेशन. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनाड्स होते हैं बोथ इन मेल एज वेल एज इन फीमेल. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं जहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है एज वेल एज जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है. ये हमने देखा था कि हार्मोन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. मतलब मेल और फीमेल को हम फिजिकली कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को, मेल को फीमेल को एक दूसरे से अलग करते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल में अलग सिक्रीट होते हैं और फीमेल में अलग सिक्रीट होते हैं. तो बेसिकली प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और जो हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से हम मेल और फीमेल को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द गोनाड एंड वॉट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये वो ऑर्गन होते हैं, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है. अब ये जो गैमेट है दूसरे गैमेट तक कैसे पहुँचेगा, उसके लिए जो ऑर्गन्स होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं, उसका मैच्यूरेशन करते हैं, उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, उसका कंडक्शन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सो गोनाड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन एंड द अदर वन इज़ हॉर्मोन सिक्रीशन. दैट इज़ दे हेल्प्स इन द गैमेट फॉर्मेशन, वो गैमेट के फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, और जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम गोनाड कहते हैं, और वहीं से ही हमें हॉर्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं. तो दीज आर द टू फंक्शंस विच इज़ परफॉर्म बाय द गोनाड. नाउ वी विल सी हाउ डज दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन मेल फ्रॉम द फीमेल. मेल में और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, दोनों को ही हमें स्टडी करना है. दोनों के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में भी डिफरेंस होगा, यही हमें इस सेक्शन में देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट वी विल टेक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट वी विल सी, जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा एज वेल एज जहाँ पर हार्मोन सिक्रीशन होंगे, जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होगा. तो मतलब ये सारे इवेंट्स हमें देखने हैं थ्रू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए जो भी इवेंट्स, गैमीट जरूरी होते हैं, उनका फ्यूजन जरूरी होता है. तो ये सब चीज़ें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं. इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विथ द ऑर्गन कॉल्ड टेस्टीज. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विथ अ ऑर्गन कॉल्ड टेस्टीज. टेस्टीज क्या है यहाँ पर, मतलब हमने देखा था अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था. वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द अदर वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टीज. यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, जो गोनाड होगा, वो होगा टेस्टीज. इट विल फॉर्म द गैमेट कॉल्ड स्पर्म. ये जो गैमेट फॉर्म करेगा दैट इज इट विल फॉर्म द मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म नाम देंगे. एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. यहाँ से एक हार्मोन भी सिक्रेट होगा जिसे हम नाम देंगे टेस्टोस्टेरोन. टेस्टीज इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन which helps or which is responsible for the gamete formation, and the gamete, male gamete, is known as sperm, as well as it also secretes the hormone called testosterone. Now what is the secondary sex organ, which helps in the conduction of sperm. मतलब जो male gamete का conduction करेंगे वो organs जो male gamete को female gamete तक पहुँचाने का काम करेंगे उसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर कौन से होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर होंगे हमें वास एफरेंशिया, नेक्स्ट एपिडिडाइमस, नेक्स्ट वास डिफरेंस, नेक्स्ट यूरेथ्रा, एंड द लास्ट वन इज पेनिस. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं. पहले हम डक्ट सिस्टम देखते हैं, मतलब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें डक्ट्स एज वेल एज कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी, इसमें भी कुछ
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, डक्स देखते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स देखते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स का काम होता है, ये वो ऑर्गन होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ये वो ऑर्गन होते हैं जो कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, नॉट हार्मोन, जो कुछ ना कुछ एंजाइम, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, हमने कहा जो टेस्टीज़ है वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही हैं, और जो टेस्टीज़ है वही हार्मोन को भी सिक्रीट कर रही हैं। अब ये जो स्पर्म है ये तो किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये जो स्पर्म है ये पार्टिसिपेट करेगा इन टू द रिप्रोडक्शन, इन फर्टिलाइजेशन, ये तो फ्यूज़ हो जाएगा विद द एग, और ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होगा, ये वो हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं। तो जो मेल में वो कैरेक्टर्स होंगे जो मेल को फीमेल से अलग करेंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो स्पर्म को ओवा दैट इज़ फीमेल गैमेट तक कैरी करते हैं, उन्हें ट्रैवल कराते हैं, उन्हें ले जाते हैं, दैट इज़ अ कंडक्शन ऑफ स्पर्म, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ स्पर्म। सो दीज आर द डक्स, ये वो डक्स हैं जो टेस्टी से स्पर्म को वजाइना या फिर फीमेल के वजाइना तक लेकर जाती हैं, फीमेल गैमेट तक लेकर जाती हैं, सॉरी नॉट फीमेल गैमेट, दे विल कैरी दिस स्पर्म टू द वजाइना, वजाइना पर लेकर जाती हैं, वजाइना तक लेकर जाती हैं फीमेल की। नेक्स्ट दीज आर द ग्लैंड्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमें कुछ ग्लैंड्स भी पढ़ने होते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये कुछ केमिकल सिक्रिएट करती हैं, वो जो केमिकल होते हैं वो स्पर्म के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, उनकी मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब उनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं फॉर देयर मोटिलिटी, ताकि वो मूव कर सकें अप टू द वजाइना ऑफ फीमेल, एज वेल एज उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, और एज वेल एज उन्हें ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स, तो इनका वर्क ये होता है। नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टेस्टीज। टेस्टीज इज, वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर, ये ह्यूमन मेल में एक पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इट इज ओवल इन स्ट्रक्चर एज वेल एज पिंक इन स्ट्रक्चर, पिंक इन कलर, सॉरी इट इज़ ओवल स्ट्रक्चर, पिंक इन कलर, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम। जो टेस्टीज होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती हैं, इनसाइड द बॉडी नहीं होती, वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती हैं, और एक पाउच में प्रेजेंट होती हैं जिसको हम नाम बोलते हैं स्क्रॉटम, जिसे हम बोलते हैं स्क्रॉटम। नाउ व्हाई इट इज़ प्रेजेंट इन दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर होता है वो 1-3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 1-3 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर वो कम होता है इन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लोअर होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो क्या करता है, फेवर करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए स्क्रॉटम में टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए जो स्पर्म होते हैं, जो टेस्टीज होती है, टेस्टीज में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो टेस्टीज जो होती है स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इट फेवर्स द फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एज इट हैज़ द 1-3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट दिस इज द, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। सपोज दिस इज़ द टेस्टीज, हम जब भी फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले टेस्टीज देखते हैं। तो टेस्टीज ओवल है, पिंक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, तो अब हमें इसका थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना होगा। तो जो टेस्टीज होती हैं वो कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती हैं,
जो टेस्टिस का जो इनर पार्ट होता है वो कंपार्टमेंट्स में, लोब्स में डिवाइडेड होती है। जब हम इसका टीएस देखते हैं तो जो टेस्टिस होती है वो लोब्स में डिवाइडेड होती है और हर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलती है। आई एम रिपीटिंग, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड फ्रॉम द इनर साइड इंटू डिफरेंट और मैनी और न्यूमरस कंपार्टमेंट विच इज़ नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस जो होती है लोब्यूल्स में, लोब्स में डिवाइडेड होती है, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम देते हैं, और हर लोब में 1 से 3 ट्यूब्स पाई जाती है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दीज आर द टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं एंड विच कंटेन्स दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ईच लोब कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? बेसिकली इट इज़ द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। यही साइट होती है जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब जब हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो इंटरनली लाइंड होती है विथ द जर्मिनल एपिथीलियम। आई एम सेइंग ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड विथ द जर्मिनल एपिथीलियम फ्रॉम इनसाइड। इट इज इंटरनली लाइंड विथ द जर्मिनल एपिथीलियम। And which interferes from the points, मतलब यहाँ पर internally germinal epithelium lined होती है और germinal epithelium के कुछ portions में elongated cells present होती है जिसे हम नाम देते हैं Sertoli cells. And these cells are known as germinal epithelium. Each seminiferous tubule lined with the germinal epithelium, and in this germinal epithelium elongated cells are present which is known as Sertoli cell. Now this germinal epithelium is the site of sperm production. यहीं से ही sperm का production होता है और जो sperm produce होते हैं वो इस duct में यहाँ पर release हो जाते हैं। Sperm के production के लिए जो nutrition provide कराता है वो Sertoli cell करवाते हैं। दैट इज Sertoli सेल का काम क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? वो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए हम उसको नर्स सेल्स भी कहते हैं। बेसिकली वो उसकी केयर में हेल्प करते हैं, उसे केयर प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी तरीके से वहाँ पर ईच एंड एवरी लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के बाद जो हम दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे वो होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। रिपीटिंग दैट टेस्टिस, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू द कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस इज इंटरनली divided into 250 testicular lobules into compartments called testicular lobules. Each testicular lobule, contains 1 to 3 seminiferous tubules. Now what is seminiferous tubule? It is basically the site
ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. सो वी हैव सीन दैट ईच टेस्टी, जो हर एक टेस्टी होगी, ईच टेस्टी इज डिवाइडेड, आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर, ईच टेस्टीज इज डिवाइडेड इन टू द कंपार्टमेंट्स विच इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल. सो द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टीज विल बी 250. मतलब हर टेस्टी में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, दैट इज कंपार्टमेंट. एंड ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स 1 to 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर कंपार्टमेंट में 1 to 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगी. नाउ व्हाट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होगा. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमें स्पर्म का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स टेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. जैसा कि मैंने बताया था, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. अंदर की तरफ, जैसे लेट्स टेक 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एज आई एम सेइंग इट कंटेन्स, ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. तो 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगी, तो हमने 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर ली है. इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वहाँ पे कुछ सेल्स भी होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में. मतलब यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, डजेंट मैटर. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स होंगे, कुछ टिश्यूज होंगे, जिनको हम नाम देते हैं कॉल्ड लिडिक सेल्स. नाउ दीज लिडिक सेल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ये जो लिडिक सेल्स होते हैं, क्या इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे सिक्रीट द मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन विच इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल. नाउ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग होती है, द इनर लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज जर्मिनल एपिथीलियम. दिस इज नोन एज जर्मिनल एपिथीलियम, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ जर्म सेल्स. इन बिटवीन जर्म सेल्स के बीच में कुछ इलोंगेटेड सेल्स होंगे ऑफ फ्री एंड्स, जिनके फ्री एंड्स होंगे, ये अभी मैंने बताया था. जर्म सेल्स के बीच में कुछ फ्री एंड्स होंगे, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनके फ्री एंड्स होते हैं. नाउ दीज सेल्स आर नोन एज, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? सर्टोली सेल्स. और वी कैन ऑल्सो कॉल दैम नर्स सेल्स. वाई डू वी कॉल दैम नर्स सेल्स? यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं ये तो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और इनके आसपास जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं उन्हें हम सर्टोली सेल कहते हैं. सर्टोली सेल्स स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसे न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं. तो इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है सर्टोली सेल का? टू टेक केयर ऑफ दोज स्पर्म्स, और वी कैन से दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. वो डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए ही हम उन्हें नर्स सेल्स भी कहते हैं. दीज आर द सर्टोली सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द जर्म सेल्स. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और वी कैन से द कंप्लीट टेस्टीज. नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज 1 to 3. इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सम टिश्यूज आर प्रेजेंट which is known as lytic cells, or we can say interstitial cells, which is responsible for the secretion of the male sex hormone known as testosterone, which further responsible for the appearance of secondary sexual characters in male. Now internal structure we have seen. Now what will happen? This is the complete male reproductive system which I have drawn over here. Now this seminiferous tubule, I have said that each compartment is consist of seminiferous tubule. या तो आप ऐसे draw कर लीजिए या फिर आप इस तरीके से भी draw कर सकते हैं. You can draw in this way also, you can draw in that way also. So these seminiferous tubule, they will converge on coming out of the, when they emerges out from that compartment, they converge at the region, and that region is known as they converge, wherever the region where all these seminiferous tubule they converge, that region is known as vasa
एफरेंशिया. These are the testes. These are the testes, which is oval and pink in structure. Oval in structure, pink in color. It contains 250 compartments in it, and each compartment contains seminiferous tubule. Now, these seminiferous tubules, they converge in a region, and that region is known as vasa efferentia. So, what is? Let's take the second part in the male reproductive system is vasa efferentia. We have discussed the testes, which is the primary sex organ in male reproductive system. Now, the second, that is the secondary sex organs over here in the male reproductive system, the second category is the secondary sex organs, in which we will discuss first the vasa efferentia, which is the duct. First, we will discuss all the ducts, then we will discuss the glands. Vasa efferentia, it connects the testes with the epididymis. Now, what is epididymis? Next part will be epididymis. Now, what is epididymis? It is, or we can say, this muscular tube over here, this tube which is present basically at the back side, or we can say it is present at the back of testes. ये testes के पीछे की तरफ posterior part पर present रहती हैं, इसलिए हम इसे इस तरीके से draw करते हैं, because they are present at the back or at the posterior part of the testes. वो testes के पीछे present रहती हैं, इसलिए हम उन्हें इस तरीके से draw करते हैं. So, what is epididymis? It is 6 meter long tube which connects, or we can say which connects the testes with vas deferens. Next, what is the function of this epididymis? Sperms are temporarily stored in the epididymis. Sperms are temporarily stored here for maturation. For maturation. जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो गए इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नाउ दे विल एंटर इनटू द एपिडिडाइमस एंड दे विल स्टोर ओवर देयर फॉर सम टाइम. दैट इज, स्पर्म्स आर टेम्पररीली स्टोर्ड हेयर फॉर मैच्यूरेशन. सो दिस इज द फंक्शन परफॉर्म बाय एपिडिडाइमस. नेक्स्ट, द ट्यूब विच कम्स आफ्टर एपिडिडाइमस विल बी वास डिफरेंस. Next tube is vas deferens. Which is again 30 centimeter long tube which connects the ejaculatory duct. which joins the ejaculatory duct, जो कि आगे जाकर ejaculatory duct से join करती है. Vas deferens is this. Now, what is vas, which part over here is vas deferens? This is the vas deferens. This is the vas deferens. It joins, it further, it runs upwards and it further joins to the or with the ejaculatory duct. Now, what is ejaculatory duct over here?
दिस वी विल डिस्कस आफ्टर दिस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी इजेक्युलेटरी डक्ट. इजेक्युलेटरी डक्ट. सिंस वी हैव सीन दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कॉपर्स ग्लैंड. सेमाइनल वेसाइकल इज प्रेजेंट ओवर हेयर, दैट इज एट द इमर्जेंट साइट ऑफ यूरेथ्रा. दिस वन इज नॉट सेमाइनल, दिस वन इज सेमाइनल वेसाइकल, दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस पार्ट, दिस वन इज काउपर्स ग्लैंड. These are the three glands, seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. This one is the testes which contains seminiferous tubules in it and it also have vasa efferentia. Then the epididymis, epididymis is where this one is the epididymis. This tube over here is epididymis. This one is the epididymis, this is the testes. It connects with the, or it remains connected with the epididymis. Now this epididymis, it elongates and it runs to form the vas deferens. Now vas deferens, it joins the ejaculatory duct. Now what is ejaculatory duct? Short tube forms by the union of, vas deferens and the duct of seminal vesicle. This is the seminal vesicle, which is a leaf-like structure, and the seminiferous tubule, which is coming from the upper side. It joins the duct of seminal vesicle and it forms the common tube, which is known as ejaculatory duct, which is a small and short duct which cannot be seen from outside. We cannot label it, or we can say it cannot be seen. Yahan par dikhegi nahi, but it's a very short tube which is formed by the union of vas deferens and the duct of seminal vesicle. Seminal vesicle ki duct jo hoti hai, wo join hoti hai with the vas deferens to form a common tube called the ejaculatory duct. It's a very short tube which runs at the region from where the urethra is emerges out. Ye yahan par is side jahan se urethra emerge out hota hai, wahan pe present hoti hai. So this one is the ejaculatory duct.